क्वेश्चन हमने फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, अब हम करेंगे फिफ्थ टू एट्थ क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ क्या है, एट्थ क्वेश्चन में, और ये क्या है हमारे पास, क्लास नाइन्थ का टॉपिक चल रहा है हमारे पास। देखो, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स मीन्स शेप ऑफ क्यूब, किस शेप का है ये, क्यूब शेप का। एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है, एक क्यूब का बॉक्स दे रखा है, क्यूब शेप का, क्यूबिकल बॉक्स, और एक क्या दे रखा है हमारे पास, क्यूबोइडल बॉक्स। तो क्या करना है, क्यूबिकल बॉक्स का क्या होता है, क्यूब हमारे पास क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ हमारे पास क्या दे रखी है, मतलब ए दे रखा है यहाँ, और ये क्या हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब देखो क्या निकालना क्या है हमें, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है हमें, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कि कौन से बॉक्स का क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया के आपके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, कि क्यूब के लिए हमारे पास होता है 4a² एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LH + HB। तो क्या निकालना है, आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, a = 10 सेंटीमीटर यहाँ पुट करोगे, और क्या करोगे क्यूबॉइडल में क्या करोगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए LBH की वैल्यू यहाँ पुट करके वैल्यू निकालोगे। और उसके बाद क्या है, सेकंड में क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद देखना है किसका ग्रेटर है, ग्रेटर मीन्स जिस, जो भी ये निकालने के बाद जिसका भी बड़ा आए ज्यादा आए वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या करना है हमें, हाउ मच की कितना है, तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना ज्यादा एरिया है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और क्या देखना है फिर उसमें, स्मॉलर किसका है और फिर कितना है वो आप निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना स्मॉलर है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखो क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हमने पढ़ा था, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आते तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखना, उसमें आपको सब फॉर्मूले डिराइव करके कि हम कैसे कैसे फॉर्मूलाज निकालते हैं, कि इसका डेरिवेशन क्या होता है, वो सब बता रखा है। उसके बाद में उससे आपको याद करने में भी इजी रहेगा और फिर आप अच्छे से इसको यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, क्यूब का 6a², एक वैल्यू ऑफ a = 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू यहाँ पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। फिर टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, क्यूबोइड का। इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। तो एल बी एच की वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूबोइड का। फिर देखोगे किसका स्मॉलर है, कि किसका कम है, कम कितना है वो देख लोगे आप, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कितना कम है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना कम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपका आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ओके। अब हम करेंगे यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैंस इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। क्या बोल रखा है कि हमें क्या करना है, एक क्या बनाया गया है कि एक हर्बेरियम बनाया गया है, किससे, ग्लास पैन से। क्या है कि एक कोई भी बॉक्स बनाया गया, आप ये समझ लो कि एक कोई बॉक्स बनाया गया है, वो किसका बनाया गया है, ग्लास से बनाया गया है, कि उस इंक्लूडिंग बेस, कि बेस को भी हमने किससे बनाया है, ग्लास से बनाया है। अब क्या क्या है, और वो ग्लास को हमने किससे जोड़ा है, द
दो ग्लास को के बीच में हमने क्या लगाया है, हमने क्या किया है, टेप से उसको जोड़ दिया गया है। अब क्या है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। मींस क्या बोल रखा है कि उसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, विड्थ एंड ब्रेथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कि ग्लास का एरिया कि कितना ग्लास यूज करेंगे हम, वो क्या बताना है हमें कि एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया ऑफ द ग्लास के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट बॉडी हमारे पास, कंप्लीट जो हमने हर्बेरियम बनाया वो किससे बनाया, ग्लास से बनाया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास कितनी देर की 25 सेंटीमीटर गिवन है हमें। तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो लास्ट में क्या लिखोगे हम, क्या किसके आप पूछ रहा था, एरिया ऑफ द ग्लास, देन हेंस एरिया ऑफ द ग्लास इज 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस हैं, उसके लिए क्या बोल रखा है हमें कि कितनी टेप की जरूरत होगी, क्योंकि क्या करना है, टाई किससे करना है, ग्लासेस को टेप से टाई करना है। तो एज हमारे पास क्या होते हैं कि वर्ल्ड के एज, जब हम दो एडजेसेंट मीन्स दिस एंड दिस फेस की इंटरसेक्टिंग लाइन दिस वन, इसको क्या बोलेंगे हम, एज बोलेंगे। ऐसे ही करके हमारे पास ये और ये वाला फेस है, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन ये, दिस वन एंड दिस वन के लिए ये वाला लाइन, ऐसे ही करके हमारे पास कितने हैं 12 एजेस हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 × L + B + H। तो हमारे पास क्या है, L भी दे रखा है, B भी, H भी। तो हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टेप इज टेप द रिक्वायर्ड टेप इज इतने सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिट क्या दे रखी है हमारे पास, यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको मुझे ये बताना है कि कितना सेंटीमीटर ये हमें टेप की रिक्वायरमेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो हमने किया 6th क्वेश्चन, अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि शांति स्वीट्स स्टोर वाज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, कि कोई शांति स्वीट्स स्टोर है वो क्या कर रहा है कि बॉक्सेस का ऑर्डर दे रहा है, कि बॉक्स में उसको क्या करना है, स्वीट्स डालनी है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, बॉक्सेस का ऑर्डर दे रहा है। तो क्या है, 2 sizes of box were required, क्या है, 2 size के बॉक्स रिक्वायर्ड है, द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। क्या बोल दिया इसने कि डायमेंशन बता दी बिगर की 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड जो स्मॉलर बॉक्स है उसके लिए डायमेंशन क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो ओवरलैप होता है कि जब हम फोल्ड वगैरह करते हैं जो बॉक्सेस बनाते हैं उसमें क्या है जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया स्मॉल बिगर का निकालेंगे स्मॉलर का निकालेंगे उसमें क्या है 5% हमारे पास क्या लग रहा है एक्स्ट्रा क्या हो रहा है रिक्वायरमेंट है। तो क्या है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 cm², फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। कितने बॉक्स की जरूरत है हमें 250 बॉक्स मीन्स स्मॉलर भी 250 एंड बिगर भी 250। अब देखो क्या है लेंथ ऑफ बिगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस 25 सेंटीमीटर ब्रेथ 20 सेंटीमीटर हाइट क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो क्या है हमें क्या निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स
आपको सबको पता ही है। अब क्या करना है आपको कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, तो एल बी और एच, यहाँ आप क्या लोगे, कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच। और जब आप स्मॉलर का, क्योंकि स्मॉलर का आपको खुद करना है, ठीक है, बिगर का मैं बता रही हूँ कि बिगर का कैसे कैसे होएगा। उसके बाद एज इट इज लेंथ ऑफ द स्मॉलर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू स्मॉल एल 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट स्मॉलर एच स्मॉल एच क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर दिस वन 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू पुट करके आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया कितना। अब क्या बोल रखा है इसने, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, तो 5% टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आता है इसका, क्या करोगे 5% निकाल कर, 5% कितना आ गया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया विद ओवरलैप्स, ओवरलैप्स में जो 5% यूज हुआ था उसको और एड करके हमारे पास कितना हो गया यहाँ से 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किया है कि इसने, क्योंकि हमारे पास कितने ऑर्डर कितने का करना था, 250 बॉक्सेस की, बिगर भी 250 एंड स्मॉलर भी 250। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्सेस विद एक्स्ट्रा ओवरलैप्स ऑफ 250 सच बॉक्सेस। तो 250 के लिए कितना टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा, कि एक के लिए तो हमारे पास इतना था, 250 के लिए 250 इंटू दिस, तो ये हमारे पास आ गया कितना हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखो अब हमारे पास क्या बोल रखा है, अब कॉस्ट निकालनी है हमें, क्या है फाइनल क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लग रहे हैं, 4 रुपीज। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 1000। तो अब क्या करोगे, हमें टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता करना है, तो क्या करोगे आप 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको क्या करोगे आप 4 अपॉन 1000 था, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, स्मॉलर बॉक्स का निकालना है, और स्मॉलर बॉक्स का निकालने के बाद आपको क्या करना है, पहले हमें क्या करोगे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया के बाद आपको क्या निकालना है कि एक्स्ट्रा कितना यूज हुआ है हमारे पास, एक्स्ट्रा कितना लगा है 5 सेंटीमीटर, जो भी आपके पास यहाँ आएगा उसका 5 सेंटीमीटर निकाल कर फिर क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और स्मॉलर बॉक्स विद ओवरलैप्स जो भी आया है इसको इसमें एड कर दोगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको 250 का चाहिए, 250 के लिए क्या कर दोगे, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपको रेट पता करना है कि कितने रुपए लगेंगे, टोटल कॉस्ट क्या बनेगी उसकी, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज, जो भी आपके पास आएगा उसको 4 अपॉन 1000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगा। फिर आपको क्या बताना है, कॉस्ट किस किस का बताना है, बिगर वाले का एंड प्लस स्मॉलर, जो कॉस्ट यहाँ आएगी और जो आपकी स्मॉलर की आएगी उन दोनों को ऐड करके कितने रुपए बन रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको, ये आपका क्या कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, और उसके बाद में अगर आपसे 8th क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि आप 8th क्वेश्चन भी कराओ, तभी मैं 8th क्वेश्चन कराऊंगी, अदरवाइज मैं 8th क्वेश्चन और इसका जो स्मॉलर वाला पार्ट है और फाइनल आंसर है वो आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको खुद करना है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं आता है तो मैं 8th क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में 8th क्वेश्चन के लिए बोलना पड़ेगा कि मैम 8th क्वेश्चन करा दो। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर 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 करना।